हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे कोचिंग क्लासेस में, जिसका नाम है कोचिंग क्लासेस चंद्रपुर। बच्चों आज हम चैप्टर नंबर 5 ऑसिलेशन के जो अनसॉल्व एग्जांपल है वो करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 130 से क्वेश्चन नंबर 8 को। तो क्या कहता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट डिस्टेंस, यानी हमको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द मीन पोजिशन। जो डिस्टेंस निकालना है वो मीन पोजिशन से निकालना है। इन द स्पीड ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी जो स्पीड होगी, कौन से पार्टिकल की जो स्पीड होगी वो कितने रहेगी, मैक्सिमम स्पीड के हाफ रहेगी, ये रहेगा। यानी v इज इक्वल टू हाफ v max, ये निकलने वाला है। तो ये v इज इक्वल टू हाफ v max कब होने वाला है, वो डिस्टेंस हमको निकालना है। और यहां पर क्या दिए है, पाथ लेंथ दिए है सिंपल हार्मोनिक मोशन की 10 सेंटीमीटर। अब ये बच्चों पाथ लेंथ क्या होती है, तो जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उसके दो एक्सट्रीम पॉइंट्स होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट, दूसरा होता है निगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट। अब ये जो पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट और निगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट होता है, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को हम कहते हैं पाथ लेंथ। तो बच्चों जो एम्पलीट्यूड आएगा ये ऑटोमेटिकली इसके आधा होने वाला है, तो एम्पलीट्यूड आएगा बच्चों 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डेटा लिख लेंगे। तो यहां पर देखना है हमको डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम मीन पोजिशन व्हेन, ये फाइंड करना है हमें कब। तो v इज इक्वल टू हाफ v max जब रहेगा तब। ठीक, मुद्दे की बात पे आते हैं। अब लिखना है हमें a की वैल्यू, तो a की भी वैल्यू लिख लेंगे। a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, a की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, तो अब हमको फॉर्मूला लिखना है। तो हमारे पास दो फॉर्मूले है बच्चों, एक रिलेटेड है v max से जो कि है ओमेगा, और दूसरा है v से, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले क्या करेंगे हम लिख लेंगे। अब देखते हैं बच्चों, यहां पर हमको पता है v इज इक्वल टू हाफ v max है, तो इस फॉर्मूले में अगर मैं v max की वैल्यू पुट कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू हाफ ओमेगा a मिल जाएगा। और यही वैल्यू मैं क्या करता हूं, हमारे पहला जो फॉर्मूला उसकी मैं अगर पुट कर देता हूं तो इस तरह से मिलेगा। अब क्या होता है, यहां पर ओमेगा ओमेगा कैंसिल हो सकता है, तो ओमेगा ओमेगा को कैंसिल कर देता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a बाय 2 इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करता हूं, अब मैं करता हूं इसको कैंसिल, सॉरी अब मैं क्या करता हूं, अब मैं करता हूं इसको स्क्वायर, तो क्या मिलेगा रे बच्चों, तो मुझे मिलेगा ए स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा। 4 को इधर लेके आते हैं, क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4a² माइनस 4x². ठीक है, अब यहां से जो है 4a² को इधर लेके आता हूं तो मुझे क्या मिले, 3a² इज इक्वल टू 4x² मिल जाएगा। ये मिल गया राइट, ये आ गया। ठीक, अब यहां पर क्या करता हूं, a इज इक्वल 5 है तो मैं यहां पर अगर इसकी वैल्यू पुट कर देता हूं तो मुझे 75/4 इज इक्वल टू x² मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं तो मुझे इस तरह का इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक, x इज इक्वल टू 5/2√3 ये मिल गया। और मैं अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.7 होती है, वो जब मैं इसके अंदर डाल देता हूं तो मुझे x की वैल्यू मिल जाएगी, वो मिल जाएगा 4.3 सेंटीमीटर। यानी जब x मीन पोजीशन से 4.3 सेंटीमीटर रहेगा, उस टाइम पर जो वेलोसिटी रहेगी वो मैक्सिमम वेलोसिटी की आधी रहेगी। ठीक, आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।